बच्चों, कल हमने एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा की थी। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषा दी है उसमें धन को ज़्यादा महत्व दिया था। एडम स्मिथ ने धन को प्रमुख और मनुष्य को गौण स्थान दिया है, इसलिए मार्शल ने एडम स्मिथ की इस धन संबंधी परिभाषा की आलोचना की। मार्शल ने कहा कि धन तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का केवल एक साधन है। मार्शल ने बताया कि धन को मनुष्य से जो अधिक महत्व दिया गया एडम स्मिथ के द्वारा, ये उचित नहीं है। इसके बाद मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी 1890 में। उनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। मार्शल ने के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। ये व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। अभी इस परिभाषा को एक्सप्लेन करते हैं हम। मार्शल ने मानव कल्याण को प्रमुख स्थान दिया है और धन को गौण स्थान दिया है, जबकि एडम स्मिथ ने धन को प्रथम स्थान दिया था और कल्याण को गौण स्थान दिया था। मार्शल के अनुसार उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे धन का उत्पादन, उपभोग और वितरण हो। समाज के अंदर रहने वाले उन व्यक्ति के उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे धन उत्पादित हो और उसे खर्च किया जाए। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा थी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस की परिभाषा की भी आलोचना की। अर्थशास्त्र में सभी मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन मार्शल कहता है कि सिर्फ उन्हीं मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज के अंदर रहते हैं, जैसे साधु संत हैं, इनकी क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है और मार्शल के अनुसार सिर्फ भौतिक वस्तुओं का ही को ही शामिल किया जाता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं के बजाय अर्थशास्त्र में सेवाओं का भी अध्ययन किया जाता है। कुछ अर्थशास्त्री मार्शल की इस परिभाषा को कल्याण संबंधी परिभाषा की भी आलोचना करते हैं। इससे आगे रॉबिन्स की परिभाषा और सैमुएलसन की परिभाषा रहती हैं, वो अगले दिन करवाएंगे आपको। तो ये जितना भी होमवर्क आपको करवाया वो सारा कॉपी पर नोट करना है।